क्लास 10 वाले विद्यार्थी हिंदी में कैसे पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। कैसे हिंदी में टॉपर बन सकते हैं, मतलब पूरा 100% नंबर उठा सकते हैं, इसके कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यदि आप उसको अप्लाई कर लेना तो बाबू हिंदी में पूरा का पूरा नंबर आपका आएगा। हाँ, कई बच्चों को लगता है कि हिंदी में नंबर उठाना बहुत आसान है, लेकिन हिंदी में नंबर उठाना उतना कठिन है जितना और सब में उठाना कठिन नहीं है। बहुत मुश्किल मुश्किल पड़ता है इसमें पूरा नंबर उठाने के लिए। देखो बाबू, सबसे पहली बात है, आप क्लास 10 वाले विद्यार्थी हिंदी में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो हिंदी के पैटर्न को समझिए कि आखिर आपके हिंदी में क्या क्या प्रश्न करता है, कितना ऑब्जेक्टिव करता है, कितना निबंध लिखने के लिए पूछता है, कैसे किताबी प्रश्न करता है, इन सभी को समझना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहली बात है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। किताब में से आपके 100 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, जिसमें से 85 प्रश्नों का जवाब देना है। हाँ, कई बच्चे इस मिथ्या में डूबे हुए कि हमारा 7 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 85 का जवाब देना है। नहीं, देखो अभी आपके बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जिसमें यह बताया गया कि 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 जवाब देना पड़ेगा। अभी पुराना ही पैटर्न है, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देने हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपके कितने 50 नंबर का आते हैं, फिर खोज कर लिखने वाला प्रश्न 20 नंबर का आता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा मतलब क्वेश्चन आपका आता है। निबंध लिखने के लिए 10 नंबर का आता है, आवेदन लिखने के 5 नंबर का आता है, किताबी प्रश्न लिखने के लिए 10 नंबर का आता है, और फिर दो नंबरिया आता है 10 नंबर का, फिर किताबी प्रश्न 5 नंबरिया एक आता है, एंड टोटल अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 100 नंबर का आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आप पूरे किताब पढ़ लीजिए, पूरे किताब कितना चैप्टर्स होगा, मेरे अनुमान से 30 गो चैप्टर्स होगा, दोनों किताब मिलाकर 30 गो चैप्टर्स होगा। इसका सारा चैप्टर मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो जाइए प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो मिलेगा क्लास 10 के हिंदी में, सारा चैप्टर पढ़ जाइए, टाइम बहुत है अभी। सारा चैप्टर पढ़ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ किताबी प्रश्न भी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही ना बाबू, किताबी प्रश्न भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो किताब सारा अगर 50 को 50 ऑब्जेक्टिव टच करना चाहते हैं, 100 में से 50 100% ठोकना चाहते हैं, तो पूरे किताब के प्रश्न को आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरे किताब को जाकर पढ़िए, इसको सिंपली मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो किताबी किताब पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ने से ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ में आपका दो नंबरिया 5 नंबरिया 15 नंबर का क्लियर हो जाएगा, यानी 65 नंबर किताब पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा। तो किताब के सारे चैप्टर्स को जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद खोज कर लिखने वाला, जिसको गद्यांश कहते हैं, खोज कर लिखने वाला प्रश्न देखो दो को पूछता है, यानी 10-10 नंबर का है, एक को 10 नंबरिया फिर एक को 10 नंबरिया, यानी टोटल गद्यांश 20 नंबर के आते हैं। गद्यांश का मतलब दिया रहेगा, उसको पढ़ के उसी से आंसर दे देना है। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी में ऊपर गद्यांश दे रहेगा, उसको पढ़ के क्या करना है, उसका जवाब दे देना है। तो हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान है, 20 नंबर का खाली गद्यांश खोज कर लिखने वाला आता है। ये तो बच्चा इसमें माहिर होता है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। देखो इन सभी का एक ट्रिक होता है, समझने का एक तरीका होता है, तो सभी का ट्रिक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखिएगा। और हिंदी में निबंध, देखो हिंदी में निबंध जैसे देखो होली पर दशहरा पर महात्मा गांधी पर रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे आपको पूछेगा कि गर्मी ऋतु वर्षा ऋतु के बारे में, मतलब निबंध का मतलब समझ, कोई एक टॉपिक दे देगा उस पर लिखने के लिए बोलेगा, तो निबंध कैसे लिखना है हिंदी में सभी को आता है, उसके बारे में लिख दो निबंध हो गया। इसको ट्विकली कैसे लिखना है, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो 10 नंबर का निबंध, आवेदन तो भाई 10th होता है सब लड़का सब, छोटे छोटे लड़का सब क्या करता है, बचपन से लेटर लिखना शुरू करता है। हो सकता है पूछेगा प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए लेटर लिखे, या मिनिस्टर के पास किसी चीज की शिकायत के लिए लेटर लिखे, तो ये लेटर 5 नंबर के आवेदन आपके आते हैं, तो आवेदन तो सबको लिख लेता है। तो निबंध लिखना सीख लीजिए, गद्यांशों को खोज कर लिखने वाला प्रश्न सीख लीजिए, आवेदन लिखना सीख लीजिए, और किताब पढ़ लीजिए, तो किताब से आपको ऑब्जेक्टिव आ और दो नंबरिया 5 नंबरिया प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबरिया में सारांश आता है, जैसे पूछ देगा माँ कहानी का सारांश लिखे, 5 नंबर में बहादुर कहानी का सारांश लिखे, बृषकदात्त कहानी का सारांश लिखे, तो ये सब 5 नंबरिया में आ जाएगा। और उसके बाद किताबी प्रश्न दो नंबरिया 5 को पूछता है, दो नंबरिया 5 को 10 नंबर किताबी प्रश्न आता है। तो बाबू आप किताब पढ़ लेंगे तो 65 नंबर, आप 20 नंबर गद्यांश खोज कर लिखने वाला इसका ट्रिक जान लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और निबंध आवेदन लिखना सीख लीजिए, आपका पूरा का पूरा 100% नंबर है, कोई रुक नहीं सकता। सोचो जब आप आवेदन लिखना सीख लेंगे, निबंध लिखना सीख लेंगे, गद्यांशों को खोज कर देने वाला प्रश्न का जवाब सीख लेंगे, और किताब पूरा पढ़ लेंगे, कौन रोकेगा, पूरा नंबर उठा सकते हैं। तो इस टाइप से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखे है, तो इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए, ताकि हर बच्चे हिंदी में पूरा का पूरा नंबर उठा सके। जय हिंद।